अगर आप भी एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं और आपके फोन में डिजिटल बैंकिंग की भी सुविधा है तो आपके लिए एक जरूरी खबर। मेड्यूसा बैंकिंग ट्रोजन यानी कि मालवेयर एक बार फिर से वापस आ गया है। साल 2020 में इसकी पहचान हुई थी और 4 साल बाद इसने फिर से वापसी की है। दरअसल मेड्यूसा का अपग्रेडेड वर्जन आया है जो कि ज्यादा खतरनाक है। नए वर्जन को लेकर कहा जा रहा है कि ये पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को निशाना बना रहा है। हम आपको बता दें कि मेड्यूसा दरअसल एक तरह का टूल होता है जिसका इस्तेमाल हैकर्स फोन को हैक करने के लिए करते हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लिफी के मुताबिक मेड्यूसा फिलहाल कनाडा, फ्रांस, इटली, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका में एक्टिव है। मेड्यूसा प्राथमिक तौर पर एंड्रॉइड डिवाइस को अपना निशाना बनाता है। यही नहीं, बैंकिंग ट्रोजन या कहें बैंकिंग मालवेयर की तरह ये भी खुद को फोन में छिपा लेता है और बैंक अकाउंट से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा करता है। मेड्यूसा एंड्रॉइड डिवाइस में पहुंचने के बाद हैकर्स को पूरा कंट्रोल देता है। ये यूजर्स की जासूसी भी करता है और सिर्फ बैंकिंग ऐप्स पर ही अटैक करता है। मेड्यूसा को लोगों के फोन में SMS लिंक के जरिए पहुंचाया जा रहा है। तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मेड्यूसा गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। ऐसे में प्ले स्टोर के जरिए ये किसी फोन में नहीं पहुंच सकता।